कोरोना से लड़ने में जो नाकामी हुई इनको छुपाने के लिए अभी बिहार का भगवाकरण हो रहा है, भाजपाकरण हो रहा है, और आरएसएस के गुंडों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि जदयू के कार्यकर्ता की भी मॉब लिंचिंग करने में उसको कोई मैंने तकलीफ नहीं हो रही है। इसलिए ये सवाल सीधे नीतीश कुमार के साथ है, आपका सांप्रदायिकरण क्या हो चुका है? नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले ही दिन माले के जो विधायक हैं वो बैनर पोस्टर के साथ विधानसभा में पहुंचे हैं और सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। महबूब साहब, क्या इशू है? लिंचिंग और कई अहम मुद्दे जिन पर सरकार को घेरने का प्रयास है। देखिए, अभी जो रोजी रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोरोना से लड़ने में जो नाकामी हुई इनको छुपाने के लिए अभी बिहार का भगवाकरण हो रहा है, भाजपाकरण हो रहा है। बिहार का जो लोगो था, लोगों के साथ छेड़छाड़, प्रतीक चिन्ह के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है। आप देखा आपने किस तरह से समस्तीपुर के मुंड में जदयू के ही कार्यकर्ता वो खलील रिजवी की निर्मम हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग हुई, और किस तरह से चंपारण में गांधी के मूर्ति का अपमान किया गया, उनके मूर्ति को जूते का माला पहनाया गया, उनकी टांगें तोड़ दी गई। ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और बिहार की जनता बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इन सवालों को लेके बिहार सरकार को सदन में घेरेंगे, जवाब देना होगा, नहीं तो सरकार से वापस जाना होगा। सरकार का ये दावा है कि सुशासन का राज है, ऑपोजिशन ऐसे ही हंगामा कर रहा है बार बार। ये सुशासन है, ये सुशासन है। सीतामढ़ी में पिछली बार मॉब लिंचिंग हुई, अररिया में मॉब लिंचिंग हुई, और आरएसएस के गुंडों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि जदयू के कार्यकर्ता की भी मॉब लिंचिंग करने में उसको कोई मैंने तकलीफ नहीं हो रही है। इसलिए ये सवाल सीधे नीतीश कुमार के साथ है, आपका सांप्रदायिकरण क्या हो चुका है? आपका क्या भाजपाकरण हो चुका है? आप क्या आरएसएस के गोद में बैठ चुके हैं? सिर्फ जो है दिन में ख्वाब देखते हैं कि राष्ट्रपति हम बन जाए और भाजपा को सौंप दिया जाए बिहार? बिहार बिल्कुल जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग सदन में बिहार सरकार को घेरे। अगर नीतीश कुमार अपोजिशन की तरफ से उम्मीदवार होंगे राष्ट्रपति को, तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? वो बात का सवाल है। नीतीश कुमार के अपोजिशन का राष्ट्रपति होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अपोजिशन के एक से एक विद्वान है, एक से एक लोग है। हिंदुस्तान की जनता अपोजिशन तय करेगी कि बिहार हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कौन बनेगा।